तो दोस्तों ये है मेरे पास सोनी अल्टवियर वायरलेस हेडफोन और यह इसकी बॉक्स की फ्रंट साइड की पैकिंग। तो यहाँ हमें फ्रंट में अल्ट पावर साउंड का ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं, साइड से कुछ स्टेप से देखने को मिलते हैं एंड दूसरी साइड में आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिटेल और प्राइस वगैरह मेंशन किया गया। यह इसकी बॉक्स की बैक साइड की पैकिंग। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड चेक करेंगे इस बॉक्स में से हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे कैरिंग केस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड इसके ऊपर भी सोनी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम इस कैरिंग केस को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक हाथ से ही इस केस को ओपन करने वाला हूँ क्योंकि दूसरी हाथ से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो रहा है लेकिन क्या करें, फिर भी करेंगे और ओपन करके देखेंगे इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ से हमारा केस जो है वो ओपन हो चुका है, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरनल लुक कुछ काफ़ी इस तरीके से देखने को मिलते हैं एंड इस कैरिंग केस का भी जो क्वालिटी है ना काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे। एंड यहाँ इसके अंदर से आप सबको सबसे पहले तो ऑक्स केबल मिल जाते हैं जिससे आप अपने हेडफोन को वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्स की केबल की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे एक छोटा सा चार्जिंग केबल मिल जाते हैं जो कि यूएसबी टाइप सी के साथ में आता है और यहाँ पे जो इसकी वायर है बहुत ही ज़्यादा एवरेज में कहूँगा इसको, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। फिलहाल हमें इसी से इस हेडफोन को चार्ज करना होता है। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा मेन डिवाइस सोनी अल्टवियर हेडफोन जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। तो अब हम इस हेडफोन का फिजिकल ओवरव्यू लुक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस हेडफोन का लुक डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हेडफोन है दिखने में कुछ इस टाइप से सबको देखने को मिलते हैं, तो मुझे तो ये हेडफोन का जो स्टाइल है ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश यहाँ पे देखने को लगा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मुझे फील हुआ है। फिनिशिंग वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है एंड इसके ईयर कप्स वगैरह जो है वो ओवर द ईयर है, यानी कि मुझे इसकी फिटिंग एंड कम्फर्टेबल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही में अगर मैं इसको दिखाऊँ आप सबको तो वाकई में प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा एंड साइड से देखो तो यहाँ पे आपको सोनी का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाते हैं एंड इस साइड से हम इस हेडफोन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं यानी कि साइज में कस्टम कर सकते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा आपके अपने हाइट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको एडजस्टमेंट भी दिया गया है जो कि सभी हेडफोन में होता है। यहाँ पे हेड के लिए आप सबको यहाँ पे भी सॉफ्ट नेस देखने को मिल जाते हैं यानी कि ग्रिपिंग के लिए यानी कि कंफर्ट के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है एंड यहाँ पे भी आपको सोनी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं। और बात करें इसके लेफ्ट साइड ईयर कप्स के बारे में तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में अल्ट का बटन देखने को मिल जाता है जिससे हम इसको बेस बूस्ट को ऑन कर सकते हैं एंड उसी के नीचे आपको ENC का भी बटन देखने को मिल जाते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलिंग को ऑन ऑफ करने के लिए। और उसके बाद अगर हम साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑक्स इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ से हम इस हेडफोन को ऑक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं इस हेडफोन को चार्ज करने के लिए। और सेंटर में आपको इसका एक पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाते हैं जिसे प्रेस करने से हम इस हेडफोन को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट साइड वाले ईयर कप्स के ऊपर आपको टच पैनल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम जस्ट टच करेंगे तो वॉल्यूम को अप और डाउन कर सकते हैं एंड लेफ्ट और राइट स्लाइड करने से आप म्यूज़िक को नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टच स्मूथनेस भी इसका काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, टच में मुझे किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। एंड वैसे हम बात करें इसके ईयर कप्स की तो यहाँ पर रोटेशन काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि ये जो रोटेशन होता है ना इससे हमारे जो हेडफोन है वो कम्फर्ट में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल करता है। और यहाँ पे इसके ईयर कुशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए ये जो हेडफोन काफ़ी अच्छा है एंड इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप इस हेडफोन को कहीं भी कैसे भी कैरी करना इजी हो जाता है। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसे कहीं भी इजी टू कैरी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो हेडफोन है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं आप सबको। और अब हम बात कर लेते हैं सोनी अल्टवियर वायरलेस हेडफोन के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर, तो इसमें आप सबको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाते हैं जिसमें आप सबको फास्ट पेयरिंग के भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि कनेक्टिविटी में आपको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इसमें आप सबको ड्यूअल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप दो डिवाइस को एक टाइम पे इसे पेयर भी कर सकते हो। ऑक्स केबल का भी इनपुट मिल जाता है, यानी कि आप वायर के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसमें आप सबको एक्टिव नॉइस कैंसलिंग मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसका एक्टिव नॉइस कैंसलिंग काफ़ी अच्छा लगा। ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। अल्ट का फीचर मिल जाता है यानी कि एक्स्ट्रा बेस मोड भी आप इसमें ऑन और ऑफ कर सकते हो। टच पैनल मिल जाते हैं जिससे आप टच करके भी म्यूज़िक को कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड उसके बाद हम बात करते हैं इसमें वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, एलेक्सा इनबिल्ट मिल जाते हैं। एंड वहीं अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में
तो टोटल आप सबको 50 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाते हैं जो कि विदाउट ENC है। अगर आप ENC के साथ में यूज करते हो तो आप 30 आवर्स तक बैटरी प्ले टाइम इसमें मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। और वही बात करें म्यूजिक के लिए तो इसमें आपको 360 का ऑडियो मिल जाते हैं, एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जहाँ से आप इसके म्यूजिक वगैरह को कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते। तो गाइज अगर आप सबको सोनी अल्ट वियर वायरलेस हेडफोन से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।